लोकेश कनगराज और रजनीकांत पुली नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसी साल फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था। ये एक बड़े स्केल की थ्रिलर फिल्म होने वाली है। लोकेश ने इससे पहले अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स भी खड़ा किया था। कैथी, विक्रम और लियो जैसी फिल्में इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि कुली भी LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, मगर मेकर्स ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया। कुली एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। हालांकि लोकेश इसकी जगह इससे भी कई गुना बड़ी फिल्म बनाने वाले थे। लोकेश के साथ काम कर चुके सिनेमेटोग्राफर मनोज परमहंस ने बताया कि लोकेश पहले रजनीकांत को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाने वाले थे। M9News.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मनोज ने बताया कि लोकेश IMAX कैमरा के साथ ये फिल्म शूट करने वाले थे। ये साइंस फिक्शन टच के साथ एक गैंगस्टर फिल्म होने वाली थी। लोकेश इसी आइडिया पर काम कर रहे थे, मगर उनके पास वक्त की कमी थी। ऊपर से दबाव था कि रजनीकांत की फिल्म को 6 महीने के अंदर ही खत्म करना है। इसके चलते उन्हें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और फिर उन्होंने नए सिरे से कुली पर काम करना शुरू किया। बाकी कुली को बड़ा बनाने के लिए अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के स्टार्स को भी लिया गया है। तेलुगु इंडस्ट्री से नागार्जुन फिल्म का हिस्सा है, वही मलयालम सिनेमा के दमदार एक्टर सोबिन शाकिर भी फिल्म में अहम रोल निभाएंगे। कुछ दिन पहले खबर चली थी कि आमिर खान भी फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान के रोल को बिल्कुल गुप्त रखा जा रहा है। लोकेश ने उनको ध्यान में रखकर ये किरदार रचा है। आगे बताया गया, डायरेक्टर ने आमिर खान और रजनीकांत को लेकर एक छोटा सा मगर दमदार सीक्वेंस डिजाइन किया है। ये एक मास सीक्वेंस होने वाला है जो फिल्म के नैरेटिव को आगे लेकर जाएगा। आमिर ने फिल्म के लिए अपनी डेट दे दी है। 15 अक्टूबर से फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू हुई है। उसी दौरान आमिर खान अपना कैमियो भी शूट करेंगे। आमिर वाले रोल के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बता दें कि आमिर खान और लोकेश सिर्फ कुली पर ही काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकेश ने आमिर खान को एक सुपर हीरो फिल्म में भी ऑफर दिया है। आमिर को कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अभी हामी नहीं भरी है। खबर को लिखा है यमन ने। मेरा नाम है विभावरी। सिनेमा की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।